हाँ जी, कोहरेंट एंड इनकोहरेंट। को मीन्स म्यूचुअल, है ना, को मीन्स आपस में, जैसे हम कहते हैं ना कॉपरेट करके चलो, कॉपरेट मतलब आपस में बनाकर चलो। सो कोहरेंट का भी कुछ ऐसा ही मतलब है जो अब आपको यहां से समझ आएगा। लाइट जो है, सबको पता है दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एसोसिएट होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मूव करेगी, दैट डायरेक्शन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दिस वी ऑलरेडी नो, हमने ये 10th में पढ़ा भी है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स में से जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स दोनों हैं लाइट के पास। सो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, अब ये समझने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं। देखो, सपोज करो मेरे पास देर आर टू लाइट सोर्सेस। ठीक, अब इन दोनों लाइट सोर्सेस का सुपरपोजिशन होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे मिलेगी वो कितनी होगी, वो अब हम यहां देखेंगे। सो लेट्स से फर्स्ट सोर्स जो है उसकी वजह से जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन E1 एंड E2 दोनों लेंगे अब हम। ठीक है, फर्स्ट लाइट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेकेंड सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो इसकी वजह से ये होगा A1 cos ωt प्लस 5 1 फर्स्ट वेव के लिए। ठीक, सेकेंड वाले के लिए A2 cos ωt प्लस 5 2। ठीक है, ये हमने दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं उनकी उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कितने कितने होंगे हमने वो लिखा। ठीक है, नाउ इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, सो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू वेव्स वो कितना होगा। I1 इज इक्वल टू KE1 स्क्वायर, मतलब I1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो K कांस्टेंट आ गया। सो I1 इज इक्वल टू KE1 स्क्वायर, वैल्यू पुट करो यहां पर E1 की, तो ये क्या बन जाएगा, K A1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 1 t प्लस 5 1। ठीक, इसी तरीके से I2 will be KE2 स्क्वायर, E2 की वैल्यू पुट करो, I2 is equal to KA2 square cos square omega 2t plus phi 2। ये इंटेंसिटी आ गई हमारे पास। ठीक, दोनों लाइट वेव्स की। अब हम लेंगे एक फुल साइकिल 0 से 2 पाई। ठीक है, वी टेक अ फुल साइकिल ऑफ टाइम नाउ, 0
टू 2π. अब कॉस है यहां पर, कॉस टर्म है. आपने पीछे के चैप्टर्स में जब फुल साइकिल पर इंटीग्रेशन किया था, ईएमआई एसी वाले चैप्टर में जब फुल साइकिल पर इंटीग्रेशन किया था कॉस टर्म का, तो वो जीरो आता था. लेकिन कॉस स्क्वेयर टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करते थे फुल साइकिल पर, तो वो हाफ आता था. याद है, जब हम कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते थे जीरो टू टू पाई, तो इंटीग्रेट होके साइन थीटा बनता था, फिर साइन टू पाई इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो. बट जब हम कॉस स्क्वेयर थीटा को इंटीग्रेट करते थे, तब वो जीरो नहीं आता था, तब वो हाफ आता था. ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रखो कि हाँ हाफ आता था. तो जब हम आई वन और आई टू को इंटीग्रेट करते हैं ओवर अ फुल साइकिल, सो इस कंडीशन में फर्स्ट वेव के लिए जो एवरेज इंटेंसिटी आएगी, आई वन फर्स्ट वेव के लिए, वो कितनी आएगी? के ए वन स्क्वायर तो एज इट इज, कॉस स्क्वायर ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन को जब आप इंटीग्रेट करोगे हाफ वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, दिस बिकम्स के ए वन स्क्वायर बाय टू. इसी तरीके से आई टू जो है वो भी आपके पास आ जाएगा के ए टू स्क्वायर बाय टू. आप करके देख सकते हो, आप कॉस स्क्वायर ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन को इंटीग्रेट करो, लिमिट्स डालो जीरो से टू पाई, ओमेगा को डाल देना टू पाई बाय टी. ठीक है, सॉल्व करोगे हाफ ही आएगा, करके देख सकते हो आप. हम कर चुके हैं ऑलरेडी ईएमआई एसी में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे पास इंटेंसिटी आ गई फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के लिए. अब सपोज करो ये दोनों वेव्स एक ही ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है, एक ही पॉइंट पर पहुंच रही है. तो जब ये दोनों वेव्स एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगी, तो ये दोनों आपस में सुपर इंपोज करेंगी, करेंगी ना. देर आर टू वेव्स आई वन आई टू इंटेंसिटीज की, बोथ ऑफ देम आर रीचिंग अ कॉमन पॉइंट. तो जब ये एक ही कॉमन पॉइंट पर पहुंच रही हैं, सो दे विल सुपर इंपोज ईच अदर. सो सुपर इंपोज करने पर इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी कितनी आएगी? अभी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करा है क्या? सिंपली ऐड कर दो दोनों को, राइट? तो वो कितना बन जाएगा? के ई वन स्क्वायर प्लस के ई टू स्क्वायर, या फिर के कॉमन ले लू. नहीं रुको, ये बनेगा के ई वन प्लस ई टू का होल स्क्वायर, नॉट के ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर. दिस बिकम्स के ई वन प्लस ई टू का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू के ई वन स्क्वायर प्लस के ई टू स्क्वायर प्लस, क्या खुलेगा फॉर्मूला? टू के ई वन ई टू, ए प्लस बी होल स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ठीक, नाउ दिस टर्म के इवन प्लस ई टू का होल स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई. ठीक, के इवन स्क्वायर ये रहा आई वन प्लस आई टू प्लस, अब ये जो लास्ट टर्म है ना टू के इवन ई टू, इसको हम लिखते हैं आई वन टू. ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आई वन टू. दिस आई वन टू दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर, विच इज टू के ई वन ई टू,
इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म. दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म. इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना, ठीक है, किसी चीज का मिलना, मिलकर एक रिजल्ट आपको देना. सो आई वांट टू इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस टर्म. तो अगर हम इस आई वांट टू का देखें कि ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, तो चेक करते हैं. देखो पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ आया? देखो 2k even e2, ये आ गई हमारी इंटरफेरेंस टर्म. अब इवन ई टू की वैल्यूज आपको पता है, डालो जरा यहां पर क्या आता है. 2k as it is, even कितना था, ए वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन इंटू ए टू कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टी. ठीक. अब आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने एक आइडेंटिटी यूज की होगी विच इज, देखो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखती हूं लाइक दिस. आई वन टू इज इक्वल टू के ए वन ए टू एज इट इज 2 cos omega 1t plus 5n cos omega 2t plus 5n. So 2 cos A cos B. This identity you must have studied. 2 cos A cos B. इसको लिख सकते हैं cos A plus B plus cos A minus B. पढ़ा है ये? है ना, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी. तो लगाओ जरा, दिस इज 2 cos A cos B. सो ये आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, I12 इज इक्वल टू के ए वन ए टू को एज इट इज रहने दो, cos A प्लस B. So this becomes cos A है ये, B है ये, इसको आप add कर रहे हो. ओमेगा वाली टर्म्स एक साथ ले लो, phi वाली टर्म्स एक साथ ले लो. So ये बन गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी, करेक्ट, प्लस phi 1 phi 2, phi 1 प्लस phi 2, A प्लस B. तो ये पूरी टर्म cos के साथ है, प्लस कॉस ए माइनस बी लेना है. सो ये बन गया ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी, दिस इज ए राइट, प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू, ये टर्म आ गई अब आपके पास. ठीक, यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अब देखो जो ये फर्स्ट टर्म है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी वाली जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, अगर हम इस टर्म का एवरेज कर दे ओवर अ फुल साइकिल, ठीक है, इफ वी टेक अ फुल साइकिल 0 to 2 pi, जब हम लेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना हमारी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाली, ये टर्म सीधा सीधा जीरो हो जाएगी, ठीक है. व्हेन वी टेक फुल साइकिल फ्रॉम 0 to 2 pi, द फर्स्ट टर्म कंटेनिंग सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज बिकम्स जीरो, सीधा जीरो हो जाएगी वो. और जो सेकंड टर्म का एवरेज है
वो भी आपका जीरो हो जाएगा अगर ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल नहीं होंगे तो। अगर ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल हो जाएं, कॉस जीरो बन जाएगा एंड कॉस जीरो इज वन, वो नहीं चाहते हम, ठीक है। हम चाहते हैं कॉस जीरो ना बने, कॉस की टर्म ऐसी आए कि टर्म ही पूरी जीरो बना दे। सो जो एवरेज होगा सेकेंड टर्म का, the average of second term will also be zero if omega 1 and omega 2 they are not equal, अगर ये दोनों equal ना रहे तो। लेकिन अगर दोनों frequencies same हो जाए, ये तब है जब frequency same नहीं है, लेकिन अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाए, इफ टू फ्रीक्वेंसीज आर सेम, इफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू दे आर सेम, उस कंडीशन में जब आप ये पूरा एवरेज निकाल के सॉल्व करोगे ना, तो ये एवरेज आपको वैल्यू देगा आई वन टू which is 2k e1 e2, ये वैल्यू आपके पास अब जो बन जाएगी वो बस ये बचेगी k a1 a2 cos phi1 minus phi2। ये दो सिचुएशंस है बेटा, यहां तक हम कॉमन चलाते हैं, यहां तक बिल्कुल जनरल चीज चल रही है। अब आपने फुल साइकिल लगाई, फुल साइकिल में भी दो पार्ट्स हमने करे, एक जब ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल नहीं है, दूसरा जब ओमेगा वन और ओमेगा टू सेम है, दोनों लाइट सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक। तो जब सेम नहीं है तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये जीरो हो जाएगी और जो सेकंड टर्म का एवरेज है वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब सब कुछ ही जीरो हो गया। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों लाइट सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी है, उस कंडीशन में आप सिर्फ ये रख पाओगे अपने पास, ये पूरा टर्म चला जाना है आपका, ये आपका चला जाना है, सिर्फ लास्ट ही टर्म बचेगी। तो यहां से जब हम इंटेंसिटी की टर्म देखेंगे आई वन टू, जो इंटरफेरेंस टर्म है, के ए वन ए टू है, इसको मैं लिख सकती हूं टू अंडर रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू। ये आपके पास एक और इंटरफेरेंस टर्म आ गई है इन द टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू, यानी कि अगर हमें इंटरफेरेंस ऑब्टेन करना है तो हमारे पास दो ऐसे लाइट सोर्सेस का होना जरूरी है जिनके लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए और उन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इफ वी नीड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस, द टू लाइट सोर्सेस शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड कंडीशन इज अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। सो जो भी लाइट सोर्सेस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, दो लाइट सोर्सेज है, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल सेम रहे और उन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा रहे, ऐसे लाइट सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहरेंट सोर्सेस। और यही कोहरेंट सोर्सेज होती हैं जिन्हें हम इंटरफेरेंस पैटर्न में यूज करेंगे। समझ आया? हेंस यहां से हम एक
जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इंटेंसिटी का, आई इज जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन टू, ये निकाला था हमने। सो ये कितना बन जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव। ये एक्सप्रेशन आप याद रखो। तो ये कोहरेंट सोर्सेज है, लेकिन मान लो दो लाइट सोर्सेज आपके पास ऐसी हैं जिन दोनों लाइट वेव्स में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है या उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं है, तो ऐसी सोर्सेज ऑफ लाइट को हम इनकोहरेंट सोर्सेज बोलते हैं। और जब भी दो इनकोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, वो कभी भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दे पाएंगी। उन दोनों में इंटेंसिटी सिंपल आप निकाल देना आई वन प्लस आई टू करके, लेकिन अगर कोहरेंट सोर्सेज है तभी इंटरफेरेंस टर्म भी आएगी और वो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न भी शो करेगा। समझ आया? नाउ कोहरेंट सोर्सेस एज वी डिस्कस्ड आर दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव सेम वेवलेंथ एंड दे मेंटेन अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? इफ बोथ द वेव्स दे डू नॉट हैव सेम वेवलेंथ और दे डू नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, देन दे आर कॉल्ड एज इनकोहरेंट सोर्सेज और नॉन कोहरेंट सोर्सेस। ओके, एंड वी ऑल्सो ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, वेर फाइव इज द फेज डिफरेंस, फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक? एंड आई वन एंड आई टू आर द इंटेंसिटीज ऑफ द टू लाइट सोर्सेज, द कोहरेंट सोर्सेज। अब यहां पर कोहरेंट सोर्सेज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। देखो, कोहरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है? दो सोर्सेज हो लाइट के जिनके लिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए और दोनों के लिए या तो फेज भी सेम हो, और अगर नहीं है तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है कि जो ये दोनों लाइट वेव्स हैं, जैसे जैसे टाइम निकले ये दोनों लाइट वेव्स अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज ना करें, ठीक? तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस शुरू से इनके बीच में मेंटेन रहना चाहिए। अब जो हम ये फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एक गिवन टाइम पर और एक गिवन पोजीशन पर अगर हमें इन दोनों वेव्स के लिए देखना है कि भाई फेज डिफरेंस कितना है, तो वो फेज डिफरेंस दो चीजों का सम होगा। दो चीजों को ऐड करके फेज डिफरेंस आएगा। क्या है वो दो चीजें? इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज, सपोज देयर आर टू लाइट सोर्सेज ए एंड बी, उन दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, मतलब व्हेन टाइम टी इज जीरो, उस टाइम पर भी क्या उन दोनों में कोई फेज डिफरेंस था? अगर था तो कितना था, वो फेज डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जब उन दोनों लाइट सोर्सेज में से लाइट वेव्स ने मूव करना शुरू किया,
तो क्या उन दोनों में पाथ लेंथ की वजह से कोई फेज डिफरेंस आया? ठीक है, दो सिचुएशन है, एक कि शुरू में ही क्या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस था, एंड सेकंड जब दोनों लाइट वेव्स ने मूव करना शुरू किया, हो सकता है एक लाइट वेव और दूसरी लाइट वेव में कोई पाथ लेंथ हो, तो उस पाथ लेंथ की वजह से कितना फेज डिफरेंस आएगा वो भी इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। तो इन दोनों फेज डिफरेंसेस को जब आप ऐड करोगे तब आपका टोटल फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हम जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो और आपको समझ आएगा कि कैसे दोनों फेज हमें लेने हैं। क्लियर? अब क्या लिखा है, द लैटर डज नॉट चेंज विद टाइम। भाई जो ये सेकंड पॉइंट है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? भाई मान लो दो बच्चे रेस में भाग रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में लेट से 1 मीटर की दूरी है और वो उस 1 मीटर के एक कांस्टेंट डिफरेंस को मेंटेन करके ही भाग रहे हैं, यानी कि उनके बीच में जो पाथ लेंथ है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो जब पाथ लेंथ चेंज नहीं हो रहा तो फेज डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता, सिर्फ जो इनिशियल फेज डिफरेंस है उसे हमें देखना पड़ेगा कि जो दोनों लाइट वेव्स के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है वो भी कोहरेंट होना चाहिए। कोहरेंट होना बहुत जरूरी है अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब कोहरेंट हम बात तो कर रहे हैं कि भाई कोहरेंट होना चाहिए, कोहरेंट होगा कैसे, कंडीशंस क्या है कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑब्टेन करने की। फर्स्ट कंडीशन है, कोहरेंट सोर्सेज शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, उसी से फिर दो कोहरेंट सोर्सेज हमें लेने चाहिए। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि अगर मान लो एक लाइट वेव में कोई फेज चेंज है, सो दूसरी जो वेव आएगी उसमें भी वही सेम फेज चेंज होगा, क्योंकि एक ही सोर्स से आप दो लाइट वेव्स ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक उन दोनों लाइट वेव्स में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और वही कंडीशन है कोहरेंट सोर्स की कि या तो सेम फेज हो या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके रखें दोनों लाइट वेव्स। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है, द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक वर्ड क्रोमा से आया जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो दोनों की दोनों जो कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो दोनों ही मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट करें। मतलब अगर एक लाइट सोर्स रेड लाइट आपको दे रही है तो दूसरी भी रेड ही दे, अलग अलग ना हो। ठीक, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो जो लाइट सोर्सेज हैं वो आपको सपोज करो व्हाइट लाइट एमिट करके दे रही है, तो जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कलर्ड पैटर्न बन जाएगा जिसमें अलग अलग वेवलेंथ के लाइट आपको ऑब्टेन होंगी, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स की बनी है, तो आपको वो 7 कलर्स के बैंड्स नजर आएंगे। अभी हम यहां पढ़ेंगे बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, प्लस जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करते हैं तो जो बैंड्स हमें मिलते हैं, जो पैटर्न हमें इंटरफेरेंस का मिलता है वो एकदम क्लीन क्लियर और शार्प मिलता है। जबकि अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज नहीं करते हैं
तो जो आपका पैटर्न ऑब्टेन होता है वो थोड़ा सा ना ब्लर और हेजी सा होने लगता है. सो कोहरेंट सोर्सेज की ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोहरेंट सोर्सेज हमेशा मोनोक्रोमैटिक लाइट ही एमिट करें. ठीक. थर्ड कंडीशन है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल. ये जो ये पॉइंट हमने पढ़ा है ना, फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पाथ लेंथ. पाथ लेंथ अगर होता है तो वो पाथ लेंथ बहुत स्मॉल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक लाइट वेव कहां पहुंच चुकी है और दूसरी बहुत पीछे है उससे. नहीं, दिस शुड नॉट हैपन. द पाथ लेंथ बिटवीन द टू वेव्स शुड बी स्मॉल सो दैट जो कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आएगा वो भी छोटा ही मिले. पाथ लेंथ से फेज डिफरेंस ऑब्टेन करने का एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या है? फेज डिफरेंस और पाथ लेंथ में, पाथ लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. पाथ लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस. सो एक्स लेट्स से पाथ लेंथ है, फाई फेज डिफरेंस है, लैम्डा जो भी आप मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ है. ठीक है. सो यहां से आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन निकाल सकते हो. सो दीज ऑल आर द कंडीशंस फॉर कोहरेंट सोर्सेज.